मैडम मैडम एक सेकंड आइए ना आइए थैंक यू टेम्परेचर 7-8 ऐसे टेम्परेचर वहां तो ठीक है बट सब खत्म हो गया सर एक छोड़ने दीजिए अरे यार खाली कोई भी डिस्टेंस है कौन कहता है शादी आ रही है मैम राशिद भाई फ्लावर्स लाओ जल्दी से हां फ्लावर आने के निकल निकल हां हां तुरंत चलो तो मालिक लोग को यहां ही करें राशिद भाई किधर है भाई हां ये रखिए सर सर एक सर यस सर सर एक यस चलो अरे वाह एक सर हाँ चलिए सर सर एक सर अरुण भाई अरे सर एक सर हेलो सामने देखिए चलिए देखिए इस फिल्म से आज के नौजवानों को ये सोचना चाहिए कि संघर्ष करने से क्या हो सकता है और आदमी को जो है ना सपना बड़ा ही देखना चाहिए। नेताजी एक गांव से निकले साधारण परिवार के और एक उनके दिल में एक ये था कि देश के अंदर जो किसानों के हालात हैं जो देश के अंदर अराजकता फैल रही है और देश की सबसे रीढ़ की हड्डी यदि कोई है तो वो किसान है। किसान आंदोलन लेके खड़े हुए नेताजी और एक गाँव का साधारण आदमी इस देश में सबसे बड़ी राजनीतिक फैमिली बने कई बार मुख्यमंत्री बने। तो ये फिल्म मुझे लगता है कि सारे जो पार्टी वर्कर्स हैं जो साधारण लोग हैं उनको एक बहुत बड़ी इससे प्रेरणा मिल सकती है। मैं इसकी बधाई देता हूँ। सर फिल्म में आपको ज़्यादा क्या पसंद आया थोड़ा कुछ बताना चाहिए जो फिल्म
की कहानी है, क्या सबसे ज्यादा मजा? नहीं, मुझे सब अच्छा लगा, सब अच्छा लग रहा है। अभी देख रहा हूँ मैं, और पूरी फिल्म खत्म होने के बाद बता सकता हूँ। अभी तक तो फैमिली का और सब ये दिख रहा, अब जो है राजनीतिक शुरू हुआ है, अब ये फिल्म पूरी हो जाने दीजिए। लेकिन पूरी तरह से ये फिल्म जो अच्छी है युवाओं के लिए, फिल्म सबके लिए इजी हो, टैक्स फ्री कुछ आप लोग करेंगे महाराष्ट्र गवर्नमेंट या यूपी गवर्नमेंट, टैक्स फ्री हो के हर कोई देख सके ये फिल्म? नहीं, बहुत ज़रूरी है। मैं तो इसका तो प्रचार होना चाहिए कि हर कोई ये देख ले, ताकि देश के लिए समर्पित होने के लोगों के अंदर एक वो एक ऊर्जा भरे। और ऐसी फिल्म को तो टैक्स फ्री होनी चाहिए। हम जरूर महाराष्ट्र गवर्नमेंट से कोशिश करेंगे ये टैक्स फ्री हो जाए। सर, आप भी सपोर्ट करें इस फिल्म को, क्या कहना चाहेंगे? जब प्रोजेक्ट आपके पास आया था, तो क्या आपको सबसे आकर्षित किया? नहीं, आकर्षित तो देखिए जो मुलायम जी है, नेताजी है, नेता तो कहीं है हिंदुस्तान में, कहीं गुजरे हैं, लेकिन नेताजी जो कहला है वो सिर्फ मुलायम जी कहला है। तो वो एक इंस्पिरेशन है हमारे लिए कि एक ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी किस तरीके से एक मकाम तक पहुँच सकता है, और एक यूनिवर्सल, मैं नेशनल लीडर नहीं कहूँगा, वो यूनिवर्सल लीडर है जिन्होंने इंस्पिरेशन दी है लोगों को, एक आदमी छोटे से बड़ा कैसे बन सकता है। आगे कोई राजनीति ऐसा है जिस पे आप चाह रहे हैं सपोर्ट करें? नहीं, मैं तो अभी थोड़ी देर पहले ही भाई से कह रहा था कि आपकी इजाज़त हो तो हम विराम के साथ में करेंगे। नहीं, जो भी इंस्पिरेशंस है हम युवाओं के लिए, एक युवा आज के तारीख में भटका हुआ है, उसको समझ में नहीं आता किस दिशा मिले, तो ऐसे नेताओं की कहानियों से दिशा मिलती है, और दिशा मिलने से कल का जो भारत है वो चमकदार होगा। मैम, एक बेहतर फिल्म का निर्माण क्या बताइए, क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रेरणा थी आपको इस फिल्म का निर्माण करने? मैं तो प्रेरणा है बोलकर मैंने ये पिक्चर प्रोड्यूस की है, और मैं खुद एक शिक्षिका हूँ और एक स्कूल चलाती हूँ कोलकाता में। तो एडुकेशनिस्ट होने के नाते मुझे जब मुलायम सिंह जी की थोड़ी बहुत जब स्टोरी, उनकी जो जीवनी पता चली, तो हमने रशीद जी से कहा कि भाई इसको आप बनाएं और इसकी और डिटेल्स बताएं। तो आज के युवा के लिए ये, युवा के सभी के लिए बहुत ज़्यादा, कि एक नीचे से लेके मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर हो चाहे कुछ भी हो, हाईएस्ट लेवल तक इंसान कैसे पहुँचता है, ये पिक्चर सबके लिए बहुत ज़्यादा प्रेरणा है। एंड हेड्स ऑफ टू नेताजी मुलायम जी। सर, आपसे जानना चाहूँगा, इतनी सादगी के साथ बनाया फिल्म को और इतना रियल लग रहा है, लग रहा है कि सचमुच कोई कैरेक्टर, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कास्टिंग जो की है बहुत अच्छी हुई है फिल्म की। कास्टिंग जिस बच्चे की मुलायम के लिए की गई है, उस बच्चे ने बहुत मेहनत की है। अमित सेठी नाम है उसका। कुश्ती सीखने में उसके रिप्स में चोट भी आई, मतलब जाड़े में जाके पंजाब में उसने कुश्ती सीखी है। और चूंकि सादगी, मैं मुलायम जी से मिल चुका हूँ, इतने बड़े लीडर होने के बावजूद भी जो सादगी आज भी है उनमें, शायद तब भी वही रही होगी, और उसी सादगी को हमने गांव के ऐसे लोगों की ज़िंदगी को हमने सामने किया है। और गांव से एक आदमी उठ के एक चीफ मिनिस्टर बन सकता है, एक डिफेंस मिनिस्टर बन सकता है, ये बहुत बड़ी बात है। और चूंकि उस वक्त हालात ऐसे थे जो आज प्रेजेंट गवर्नमेंट में है, मुझे लगता है कि इस फिल्म के रिलीज़ के बाद कुछ ना कुछ लोग सोचेंगे कि बिगड़ती हुई जो हालत है वो कहीं ना कहीं सुधरने की एक के लिए एक कदम बढ़ाएगी। अखिलेश जी को दिखाने वाले फिल्म नहीं, अखिलेश जी अभी हम लोग यहाँ से लखनऊ जा रहे हैं प्रमोशंस के लिए, अखिलेश जी के लिए रखे हैं। पर आज हमने बॉम्बे के सारे समाजवादी से जुड़े हुए जो भी ज़मीनी स्तर से लेके टॉप लेवल तक के आर्ट, उन सबको बुलाया है ताकि उनकी राय लें और फिर हम लोग कुछ करें लखनऊ के लिए। वी आर प्लानिंग, हमारी अनाउंसमेंट 22nd की थी, लेकिन लोग कह रहे हैं 26 जनवरी का सही मौका है, तो 26 जनवरी पहले रहे। हाँ जी, तो उसी दिन कर रहे हैं हम लोग, प्लान कर रहे हैं। और इसके अलावा कोई टैक्स फ्री के लिए कुछ? नहीं, अभी हमने फिलहाल सबके साथ में फिल्म दिखाने के पहली प्रायोरिटी हमारी है कि लोगों को फिल्म पसंद आए और जेन्युइनिटी समझ में आए कि हमने जो बनाया है वो जेन्युइन है, उसके बाद में दूसरी कोशिश करेंगे हम। प्रधानमंत्री को दिखाने की कोशिश करेंगे आप लोग फिल्म? प्रधानमंत्री जी, नेताजी के जो लास्ट शब्द थे 2014 वाले सांसद में, जिस दिन एंड हो रहा था, तो आखिर में नेताजी ने कहा था कि नेक्स्ट पीएम आल्सो मोदी जी, तो मोदी जी को बात याद रहेंगी। अगर मोदी जी को बात याद है तो ये फिल्म देखना भी याद रहेगा।